मैं बाइक से आता हूँ यहाँ पे, और बाइक से जब आप सड़क पे आते हो तो आपको सामने देखना पड़ता है, वो मजबूरी आपकी, तो आई हैव टू सी. तो मैं देख रहा था और सामने मेरे बाइक जा रही थी, उसके पीछे पिलियन में कोई बैठा हुआ था और वो पूरी सीट कवर की हुई थी. और जब बाइक वाले ने ब्रेक मारा ना ऐसे, तो टेल लाइट जल गई, तो ऐसा लग रहा था इसकी गाड़ में आग लग गई और नीचे से धुआं निकल रहा था. तो 40 मिनट तो मैं इस बात पे हंसा. तो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी चाहिए. मैं तो हंस लेता हूँ भाई. एक बाइक जा रही थी, बहुत बाइक थी रोड पे, तो एक ये जा रही थी और इसके पीछे एक औरत बैठी थी और उसकी साड़ी ना टायर में घुसने वाली थी. तो मैंने कहा जाके जान बचा लेता हूँ. तो मैं गया कि मैंने कहा आंटी, तो तब तक वो आगे निकल गई बाइक, तो मैं अपनी बाइक चलाने लगा, तो इसकी बाइक तेज़ चलने लगी, तो मैं भी बहुत तेज़ चलने लगा. तो मैं सड़क पे पीछा कर रहा हूँ इसका, इसकी जान बचाने के लिए. काफ़ी देर मैंने पीछा किया, फिर एक जगह इनकी बाइक रुकी, तो मैं बगल में जाके पार्क करी और मैंने बोला कि आपकी साड़ी टायर में घुस रही है, तो यदि वो सब ठीक है आप मेरे घर में कैसे घुस गए? मैं कहा यार भलाई का जमाना नहीं है, मैं इतना लंबा डिटूर लिया मैंने, अंधेरी जा रहा था, बांद्रा पहुंच गया आपके चक्कर में. थैंक यू बोलिए, खाना वाना खिलाइए थोड़ा. मैं जब छोटा था तो बाइक चलाते थे हमारे मोहल्ले के बच्चे, और लड़कों के दिमाग में पता नहीं क्यों ये आइडिया है कि हम स्टंट मारेंगे और लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी. पता नहीं क्यों, मतलब क्या इनको लग रहा है, लड़कियों को यही अच्छा लगता है कि हाँ काश कोई बंदा मुझे पीछे बैठाए और आगे वाला टायर उठा दे, सड़क पे गिर जाऊं और कोई ट्रक को चल दे, मजा आ जाए. कौन सी लड़की का ये सपना कि मेरे सपने का राजकुमार आएगा बिना हेलमेट के गुटखा चबाते हुए स्प्लेंडर पे और मुझे मौत के मुंह तक छोड़ के आए. I would see these videos, I'd always be impressed. कि अरे यार, मतलब ये बंदा ऐसे आया बाइक चलाते हुए और लड़की यहाँ खड़ी है और यहाँ तक आया और ऐसे ब्रेक मारा इसने और यूँ खड़ी हो गई बाइक और इसने फूल दे दिया लड़की. मैं ये इम्प्रेस तो हो जाएगी इससे, मैं किया ट्राई, ब्रेक थोड़ा सा लेट हो गया यार, मैं फूल दे नहीं पाया, मैंने चढ़ा दिया फूल. बाइक वालों से कोई इंप्रेस नहीं होता, क्या है ये, हाथ छोड़ के चला रहे हैं भाई, पूरा ही छोड़ दे भाई, उतर जाए. मेरे पापा कह रहे हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए हमेशा, हेलमेट पहन के हमेशा. मैंने कहा मैं मेट्रो से जा रहा हूँ. ऐसी चीज़ें बताएंगे कि हेलमेट पहनने के लिए, ये मुझे स्टोरी बता रहे हैं कि एक बार एक बंदा हेलमेट पहन के जा रहा था, ऊपर ब्रिज पे जा रहा है, ब्रिज से नीचे गिर गया, फिर ट्रक ने कुचल दिया उसको, हाथ पैर लोअर बॉडी सब टूट गई, लेकिन हेलमेट था तो सर बच आएगा. फिर हेलमेट भी उतार ही देना चाहिए था उसको, अकेला सर लेके घूम रहा है मैंचो हर जगह. ऐसी लाइफ चाहिए आपको मेरी? सो स्टूपिड डूड. मैं पहले इंजीनियरिंग करता था, अब मैं ये कर रहा हूँ. हर इंजीनियर को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में कोई भी इंजीनियर कुछ भी अच्छा काम करे तो उसी ने किया. मेरे दोस्त मेरे को बोल रहे हैं कि अरे वी लैंडेड ऑन मार्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैंने कहा वी, साले TCS में काम करता है तू, तूने क्या किया? 6 साल से बोल रहा है कि कहीं दूसरी कंट्री में लैंड करा दो. कुछ भी हो जाए, ये हमारी खासियत है कि पूरे ह्यूमन रेस में किसी ने भी अच्छा काम किया, सडनली हम, क्योंकि वो भी ह्यूमन है हम भी ह्यूमन है, तो हमने कर दिया ऐसे. डबल मर्डर भी किया, तब तो नहीं तुमने ताली बजाई, उसका भी क्रेडिट लो. हमने वैक्सीन बनाई, तू टॉयलेट पे बैठा था, उन्होंने बनाई, वो अलग है. मार्स रोवर मार्स पे लैंड हो गया, और कहाँ लैंड होगा? मैं जो पूरे यूनिवर्स में एक ही जगह है जहाँ वो लैंड हो सकता. आपको पता है मार्स रोवर का भी एक्सीडेंट हो गया,
मैं न्यूज में पढ़ा मार्स रोवर का एक्सीडेंट, वो उस प्लैनेट पे अकेली गाड़ी है। नासा ने खाली प्लैनेट पे गाड़ी ठोक दी, हम इनके भरोसे बैठे हैं कि एलियन से बचा लेंगे। उनकी खाली मैदान पे उनसे गाड़ी नहीं चल रही। इलॉन मस्क कह रहा है कि हम इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग कार्स ले आएंगे। मार्स में ले आ, पहले खाली है वहां। बेवकूफ आदमी इंडिया में ले आ, कैसे ले आओगे? कह रहे हमारे पास सॉफ्टवेयर है सब देख। अरे तेरे सॉफ्टवेयर में गाय है? हैं? जब वन वे में सामने से गाय आएगी क्या करेगी टेस्ला फिर? ये वाला हॉर्न है टेस्ला में? द प्रॉब्लम विद दिस गाय, उसको बताओ वो डाल भी देगा। बट वो चूतिया नहीं, वो एक्सेंट्रिक है, क्योंकि बिलियनियर एक्सेंट्रिक होते हैं, वो चूतिया नहीं हो सकते। इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग कार्स ले आओगे? कहाँ से ले आओगे? इतना कॉन्फिडेंस उसको पता है क्यों? क्योंकि यूएस में ऑटो नहीं होती। कह रहा हमने अपने गाड़ी में से कैमरे लगा दिए, सॉफ्टवेयर है, मैप है, सब देख लेगा, और जैसे हिसाब से लोग चलेंगे हम चला लेंगे। ऑटो देखा है कभी चलते हो? तेरा सारा सॉफ्टवेयर खत्म हो जाए। ऐसे करते हैं ऑटो वाले। अब तुम समझो इसका क्या मतलब। हो सकता है उसको इधर जाना हो सकता है उसकी गर्दन में दर्द हो सकता है वो पूछ रहा हो, हाँ भाई तुम सड़क पे खड़े होके गैस कर रहे हो, मैं वहां खड़ा हूँ ऑटो वाले से, मैं क्या यार इसने गर्दन यूं करी, लेकिन इसका हाथ यहाँ पे, या खुदा ये दूसरी था जाएगा। अब प्रॉब्लम ये कि टेस्ला को नहीं पता, ये टेस्ला ने शक दे इंडिया देखी नहीं। तुम सॉफ्टवेयर में डाल रहे हो सारी चीजें, शक दे इंडिया डालो, सीखे कुछ। उनकी गलती भी नहीं है यार, क्योंकि ऑटो का कोई ड्राइविंग स्कूल नहीं होता, वो पहले खरीद लेते हैं फिर आपके ऊपर सीखते हैं। यहाँ बैठ जाओ, कौन सेकंड गियर कहाँ पे भैया? अच्छा आपको भी नहीं पता हो क्या? मैं कभी नहीं देखा ऑटो वाले जिनके रियर व्यू मिरर पीछे सड़क पे सेट हो, वो तुम्हारे ही ऊपर सेट होते हैं कि हम देख लेंगे तुम किस कब कर रहे हो, चल तो लेगी गाड़ी अपने आप। कह रहा हम कंघी खरीद लें तो फिर ये पूरा ड्रेसिंग टेबल हो जाएगा, शीशा भी। मैं इतनी बार देखा ऑटो वाले पूजा करने चलने से पहले, नहीं पूजा क्या कर रहे चलना, फिर मैंने देखा कि वो रियर व्यू मिरर पे ही उन्होंने फोटो लगा रखी है भगवानों की, तब तो पूजा करवाई थी, जब तो चली भगवान भरोसे रहा। इतने कॉन्फिडेंस में चला सड़क पे जा रहे हैं, और ऐसे जाएंगे जैसे कि कैदी छूट गए हो सड़क पर, इकट्ठे जाएंगे फिर यूं फैल जाएंगे, फैल जाओ पूरा कवर कर लो, सारी लेन कवर कर लो, किसी को आगे मत जाने देना। स्पीड लिमिट 80 थी, अभी 40 है, और इनके दिमाग में सारे सुपर बाइकर्स हैं। कह रहे हाँ इतना सा गैप है, कह रहे हाँ निकल जाएगा निकल जाएगा, और फिर यूं जाके यूं पलट जाएगा आगे। हमेशा तुम देखो कोई भी एक्सीडेंट होगा एक ऑटो पलटा पड़ा ही रहता है। जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो बोल रहे हैं ऑटो तो था ही नहीं इसमें, मैं चुप क्या बाहर से आके पलट गया। एक्सीडेंट वाले सूंघ लेते हैं अलग, कहाँ है एक्सीडेंट, हाँ हमारे बिना कैसे पलट गए, हम पलटेंगे पहले। आपको पता है मार्स रोवर का एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे ऑटो पड़ा था कोई, नासा वाले जूम करके देख रहे हैं MH-01 बड़ा लंबा भाड़ा मिल गया इसको यार।